तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दोबारा से खेलने जाने वाले हैं गाइस टॉम राइडर। और किस किस ने लॉरा क्राफ्ट को मिस किया एक बार मुझे कमेंट पे ज़रूर से बताइए। तो चलिए इसकी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हैं और आगे की स्टोरी को हम जानते हैं। तो गाइस आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड पे यहाँ पर एक दरिंदा जो कि हमारे पीछे पड़ जाता है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उससे किस प्रकार बचूँ। तो चलो यहाँ से हम उससे एक बार ट्राई करते हैं बचने की। तो अभी एक वो ड्रैगन निकल के आ चुका है। जिस दरिंदे की बात कर रहे थे वो दरिंदा ये है। तो मैं तो अभी इससे कुलाटी खाते हुए बच गया हूँ, पर यहाँ से अब मुझे क्या करना है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। पर चलो मैं डायरेक्टली ही ना भागना चालू कर देता हूँ। मुझे लगा ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा। तो अभी मैंने जंप वंप लगाते हुए निकल गया हूँ और ये दरिंदे ने सीधा छलांग मार दी और मैं बच गया हूँ गाइस। इतना सिंपल था यार इससे बचना, पर मैं कर नहीं पाया था पिछले एपिसोड पे। तो चलो मैं अभी इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है तो चलो मैं इसको धक्का दे देता हूँ यहाँ पर। तो अभी ये बॉल किस काम आएगी मुझे अभी भी नहीं पता है, अंदाज़ा नहीं है मुझे इस चीज़ का। तो चलो मैं इसे ना धक्का दे देता हूँ और आगे मुझे उस पार भी जाना है तो वो रस्सी बस्सी भी मुझे पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने उसे धक्का दे के नीचे गिरा दिया है और मैं यहाँ पर उस बॉल को मैंने नीचे गिरा दिया और ये क्या यहाँ पर उसको इस बटन को प्रेस किया तो वहाँ से ना कुछ गाइस भाला टाइप का निकल गया है। तो चलो मैं यहाँ पर सही निशाने पे है अपनी ये बॉल, तो चलो मैं अभी उसे सेट कर लेता हूँ कि अभी मुझे कहाँ जाना, अभी मैं इसे पकड़ लेता हूँ गाइस। अब मुझे यहाँ से मुड़ते हुए ना उस भाले के ऊपर यहाँ पर अभी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मुझे इसके ऊपर जाना है। और गाइस ये वही लड़की है ना जो मुझसे मदद मांग रही थी। तो चलो मैं अभी इससे देख लेता हूँ ये क्या बातचीत चल रही है यहाँ पर इन लोगों की अभी अभी। तो यहाँ पर अभी गाइस कुछ आ गया है क्या, वो लड़की भाग चुकी है। अरे भाई भाई भाई, ये मॉन्स्टर तो उस लड़की के पीछे, तो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं इस रस्सी में छलांग मार देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे छलांग मार दिया है, रस्सी पे नहीं सॉरी इस भाले पे छलांग मारते हुए मुझे इस रस्सी को पकड़ना है। तो थोड़ा सा झूला झूलना पड़ेगा क्योंकि मुझे लॉन्ग जंप लेनी है ना, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट आ चुका है गाइस, अभी मिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। तो चलो देखते हैं कि आगे मुझे अभी क्या करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ। अरे यार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, कहाँ गिर गया मैं। इस बार मुझे आराम से जाना पड़ेगा, जल्दबाजी का काम ऐसा ही होता है कि जहाँ कुछ हुआ तो वहाँ गिर जाता है। तो चलो मैं अभी सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये लकड़ी के थ्रू मुझे इस पार जाना है पकड़ते हुए। तो मैं अभी यहाँ पर नीचे आ गया हूँ। अपनी नन्ही सी जान को इतना सारा परेशान देखते हुए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। इतनी खूबसूरत है गाइस, इस पर ये देख रहे हो क्या खतरनाक स्टंट करती है, मैं तो उसका दीवाना ही बन गया हूँ यहाँ पर। और अभी ये लॉरा लॉरा चिल्ला रही है, चलो देखते हैं कि क्या है। अरे भाई भाई ये क्या कर रही है, ये कुछ निकाल रही है। और ये वो मॉन्स्टर तो मेरी तरफ ही पड़ता हुआ आ रहा है। और ये लड़की क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से वो हमला करने वाला है। बच ही गया। अच्छा वो एक तो स्प्रिट टाइप की थी क्या, उसने वो कुछ निकाल लिया पत्थर सा और ये मैं बच गया हूँ उससे। तो हैंग गॉड उसने वो पत्थर निकाल लिया, नहीं तो मैं तो मर जाता यहाँ पर। और ये लोग भाग रहे हैं, वो कुछ निकालने के थ्रू ना यहाँ पर ये डैमेज हो रहा है। और ये भाई ये तो कतई गॉड ऑफ वार बन रही है, देख लो इतने बड़े गेट को, हैवी गेट को इनने उठा के रखा हुआ है। पर वो लड़की का पैर फंस चुका है गाइस, और ये लड़की निकल नहीं पा रही और पानी का लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पता नहीं क्या होगा इसका, ये बच भी पाएगी कि नहीं गाइस। तो चलो देखते हैं अभी यहाँ से। अभी इसका पैर पूरी तरह से फंस चुका है और मेरी भी सांसें थम गई हैं क्योंकि पानी के थ्रू मैं आ रहा हूँ अंदर। अब वो गेट छोड़ देगी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। ये तो अभी बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में फंसे हुए हैं यहाँ पर, अब क्या किया जाए। चलो देखते हैं गाइस इन लोग क्या करते हैं यहाँ पर। तो अभी इसका भी हाथ छूट गया है और ये पानी में तैर रही हैं, तो इनको जो तैरना वैरना सब कुछ आता ही है। तो चलो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ पहले तो अच्छी पोजीशन से। हम भी बुलबुले के अंदर हैं, हाँ यहाँ पे स्टोरी लाइन ख़त्म हो चुकी। अब मैं इस पानी से बाहर आ रहा हूँ गाइस, तो चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। परस्यू रिटर्न पर्शन रिट कनेक्शन बिटवीन स्टोन रनिंग एरिया। तो यहाँ पर ये मुझे डायरेक्टली ये बताना चाहता है कि मैं अभी इस लोकेशन में हूँ, यहाँ पर नाम वाम दिया गया है। तो चलो अभी मैं पानी से तो बाहर आ चुका हूँ गाइस। और यहाँ पर ये लड़की मुझे पिछले वाले मिशन में भी मिली थी जब मैं बाइक को ड्राइव कर रहा था, अगर आपको याद होगा तो।
तो चलो देखते हैं कि इसके साथ हमें ये मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि मुझे उस लड़की को किस तरह से बचाना है। और देख रहे हो गाइस क्या ही खतरनाक गन रखी हुई है इस बंदी ने। इसके लिए तो एक सल्यूट है बॉस। अगर ऐसा कोई हकीकत में कर दिए उसके लिए बेसिकली, ऐसा तो वैसे मुश्किल ही सा ही है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना। पहले इनकी बातचीत थोड़ी सी ख़त्म हो जाने देते हैं गाइस यहाँ पर। चलो मैं अभी से हो रहा है ये ख़त्म, तो ये बाहर हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर मैं डायरेक्टली छलांग वलांग लगाऊंगा। और यहाँ पर क्या है चलो देखते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पर तो इतना गहरा पानी है यार, मैं कहाँ डूब गया। तो चलो मुझे ना इसकी गहराई पे ही जाना है। तो आर रिपीट टाइम मूवमेंट मूव फास्ट, मैं इससे ना फास्ट कर सकता हूँ ये। तो मैं और नीचे गहराई में जाना है मुझे। यहाँ पर मुझे कुछ साइल से ना कुछ कलेक्ट वगैरह करना है। पर इतने गहरे पानी में देख लो भाई कुआँ है, इतने में तो कोई की हालत ही ख़राब हो जाए। पर ये लड़की क्या ही खतरनाक स्टंट करती रहती है। यहाँ पर तो सांसें ही रुक जाएंगी अगर कोई बंदा हकीकत में करे ऐसा तो। पर चलो मैं इतने पानी में गहराई में चलो देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। अब मुझे ना ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी के ऊपर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर अब थोड़ी जान में जान आई गाइस, नहीं तो मैं मर जाता अगर पानी में ज़्यादा देर और रहता तो। तो चलो एक और डुबकी लगा ली जाए और देखते हैं कि इस पानी का क्या रहस्य है यार। मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना है गाइस। और चेक पॉइंट हमारा आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ करना है तामझाम। तो चलो देखते हैं, अभी एक और डुबकी ले लेता हूँ ये पानी में। वैसे तो यहाँ का वाटर लेवल बहुत ही कम है, तो हो ना हो कुछ ना कुछ तो यहीं पर है। तो चलो एक और डुबकी ले ली जाए। और ये क्या पत्थर स्पून से चमक रहे हैं, तो मैं पहले इस पत्थर को बाहर निकालता हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस मेरे ख्याल से ना ये पत्थर जो है ना ये बाहर मुझे निकालने पड़ेंगे सारे, तो तब जाके कुछ ना कुछ होगा। तो अभी एक और पत्थर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मैं भी बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ गाइस, देख लो एक ही बार में इस मिस्ट्री को मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर एक और पत्थर चमक रहा है, पर मेरी सांसें रुक रही हैं पानी के अंदर। तो मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेता हूँ और फिर से दोबारा से हम काम पे लग जाते हैं। तो चलो एक और पत्थर को मुझे खींचना है शायद से, हो सकता है मैं भी वो बाहर निकल गए हूँ। तो यहाँ पर एक और, हाँ गाइस जैसा मैंने सोचा था कि मुझे एक ही बार में ना ये तीनों को ही मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। अरे भाई यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलो देख लेते हैं कि अभी मुझे क्या करना है। यहाँ पर पूरी जान में जान आई गाइस, और ये कौन सा पत्थर है चलो देखें स्टोरी लाइन को। कभी तो कुछ ऐसा मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, पर चलो मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा अरे भाई अच्छा, वो जो चीज़ें मैंने निकाली थी ना गाइस वो स्टोन्स वगैरह, तो उससे ना पानी का लेवल पूरा ही कम हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो अभी यहाँ पर ये पत्थर में वो लड़की है क्या यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। अभी अच्छा उसका जूता मिल चुका है गाइस मुझे उस लड़की का, तो वो जिंदा भी है कि नहीं ये तो अभी मुझे पता नहीं है। पर जूता मिला है तो हो सकता है मे भी कि वो बाहर निकल चुकी है, क्योंकि पैर मिलता फिर एक प्रकार से पूरी बॉडी मिलती उस लड़की की अगर वो मर जाती तो। पर यहाँ पर उसका जूता मिला है तो मे भी वो ना जिंदा है और कहीं बाहर जा चुकी है। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको इस वाली गेम प्ले वाली वीडियो में मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया होगा। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है कि वो लड़की बची कि नहीं बची, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट प्यारा सा छोड़ देना है। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।